राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। गोरखपुर वासियों को आज मिलेगी कोविड अस्पताल की सौगात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम। देश भर में आज से फिर शुरू हुआ मेट्रो का सफर। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से चलेगी मेट्रो। कांग्रेस नेता सचिन पायलट 43 साल के हो गए। इस मौके पर वो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने समर्थकों के साथ लाइव चैट करेंगे। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद एनसीबी की जांच तेज। या चक्रवर्ती से आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ करेगी एनसीबी। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मुकदमे के दूसरे चरण की सुनवाई आज से शुरू होगी। ब्रिटेन की अदालत में होने वाली सुनवाई में नीरव मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। कोटा में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की गुंडाई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौरव सिंह ने ग्रामीणों पर राइफल तानकर की फायरिंग। सोशल मीडिया पर गुंडाई का वीडियो वायरल। हरदोई में किन्नरों के बीच मारपीट। असली किन्नरों ने नकली किन्नर को पकड़ा। नकली किन्नर का सिर मुड़वाकर पिटाई की। नकली किन्नरों की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। हफ्ते के पहले दिन पेट्रोल और डीजल खरीदने वालों को बड़ी राहत। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में 11 से 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। नोवाक जोकोविच यूएस ओपन से बाहर। यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला अधिकारी को गेंद मारने के कारण टूर्नामेंट से किया गया बाहर।